दक्षिण आग्नेय इज समथिंग विच इज रेस्पॉन्सिबल मेजरली फॉर द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, आप तो इससे भी बड़े बड़े स्टेटमेंट सुनते रहते हैं ना। एलोपैथी में नामकरण संस्कार तो बहुत अच्छा करते हैं, ठीक किसी चीज को भी नहीं करते। तो दक्षिण बल ये आपका एफर्ट मेकिंग एबिलिटी जो है, यही आपके जेनेटिक्स पे इंप्रेशन डालता है, यानी जेनेटिक्स को चेंज करता है। तो पहली बात, क्या आपका जेनेटिक्स चेंज हो सकता है? 99% आपका जेनेटिक्स चेंज होता है, इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये नए मॉडर्न रिसर्च की बात कर रहा हूं। तो ये एपिजेनेटिक्स यानी जेनेटिक्स को चेंज करने का काम कैसे किया जा सकता है? जब आप एपिजेनेटिक ट्रिगर दो बॉडी को, अगर शरीर को एपिजेनेटिक ट्रिगर देंगे ना तो वो चेंज हो जाए। कुंभक क्या है? वही एपिजेनेटिक ट्रिगर है, इससे आपके जेनेटिक्स को आप चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज, आप इंश्योर कर सकते हो कि ये आप ट्रांसफर नहीं करो किसी और में, और आप इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चों में ये नहीं आए। आप इंश्योर कर सकते हैं, अगर आप जेनेटिकली वीक हैं किसी चीज में तो वो प्रॉब्लम नहीं है। जेनेटिक्स का मतलब प्रॉब्लम आपको आएगा ऐसा नहीं है, जेनेटिक्स का मतलब होता है वो वीकनेस है, उसको आप उस पर आप काम कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आए। पर उस पर काम करने का तरीका नहीं था, क्योंकि एलोपैथी तो दवाइयों में डील करता है, केमिकल्स में डील करता है, तो उनके पास कोई तरीका नहीं है शरीर पे काम करना। मगर हमारे पास हजारों सालों से तरीका, उसी को सही तरीके से इस्तेमाल करना कुंभक थेरेपी, दैट्स इट। तो क्या आप इंश्योर कर सकते हो 100% इंश्योर कर सकते हो कि जो जेनेटिक्स आपके पिताजी या आपके पूर्वजों की थी वो आप पे नुकसान ना करे, जो आपका जेनेटिक्स है वो आपके बच्चों पे नुकसान ना करे।